नमस्कार दोस्तों दोस्तों मनी हेस्ट को लोगों ने काफी प्यार दिया है, लोगों ने काफी चाहा है मनी हेस्ट की पूरी वेब सीरीज को। तो दोस्तों ये जो पांचवा सीजन का वॉल्यूम 2 आया है, इसका काफी लोगों को इंतजार था और काफी लोगों को पसंद भी आया है ये वॉल्यूम 2। तो दोस्तों बात करते हैं पांचवे सीजन के पांचवे एपिसोड की, यानी कि वॉल्यूम 1 की। तो दोस्तों मनी हेस्ट का पांचवा सीजन वॉल्यूम 1 में कहानी कुछ इस तरह खत्म होती है कि पांचवे सीजन में नैरोबी मर जाती है, टोक्यो मर जाती है दोस्तों, और उसमें भी जो हेलसिंकी जो होता है वो घायल हो जाता है। दोस्तों ये कहानी काफी दमदार थी और लोगों में काफी इच्छा थी कि कब वॉल 2 आए। तो दोस्तों बात करता हूं 1 में जो टोक्यो मर जाती है, उसके बाद प्रोफेसर अपने आप को टॉयलेट में बंद कर देते हैं और काफी सुन से छा जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं वॉल 2 की छठे एपिसोड की। तो दोस्तों उसकी शुरुआत इसी तरह से होती है, प्रोफेसर जो होते हैं वो अपने आप को टॉयलेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद जो सियारा जो होती है, सियारा प्रोफेसर की गाड़ी को लेकर भाग जाती है। दोस्तों प्रोफेसर टॉयलेट में बंद है और वहां पर बेंजामिन और मार्सेलिया जो होते हैं, मार्सेलिया और प्रोफेसर दोनों सियारा का पीछा करते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों दूसरी तरफ जो सगास्ता जो होता है अपनी टीम के साथ बैंक ऑफ स्पेन में हमला करता है, वो वहां पर जाकर अपनी टीम को खो देता है। जब टोक्यो अपने साथ बॉम्ब से सभी लोगों को मार देती है तो वहां पर सगास्ता और उसके दो साथी वहां पर जिंदा होते हैं। तो सगास्ता जो होता है वो तमायो को कॉल करता है और बताता है कि तमायो अब हम सिर्फ 3 लोग बाकी हैं और हम अपना मिशन पूरा करेंगे। तो दोस्तों सगास्ता वहां पर एक सबसे बड़ी चाल खेलता है और वो पलेरमो को बोलता है कि हम जो हैं हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, और उसने बताया कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है मेरे दोस्त को, तो वो डॉक्टर को बुलाए। तो दोस्तों वहां पर पलेरमो जो होता है वो इनका ये जो सरेंडर है वो स्वीकार करता है और कहता है कि तुम हमारे कैदी बन जाओ। तो वहां पर सगास्ता एक चाल करता है, एक गेम खेलता है, वो अपने दूसरे साथी को छुपा देता है और वो कहता है कि हम सिर्फ 2 ही लोग जिंदा हैं। तो वहां पर वो 2 लोग सरेंडर कर देते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है अंदर और हेलसिंकी का भी ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन उसके साथ अभी वो नहीं बताया है कि सगास्ता ने जो अपना जो सोल्जर था वो छुपाया हुआ है, वो अभी बाहर नहीं आता। और दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रोफेसर जो होता है वो पीछा करता है सियारा का। तो दोस्तों एक खंडेर घर में प्रोफेसर वहां पर पहुंचता है सियारा का पीछा करते हुए। तो दोस्तों सियारा ने पहले से ही प्रोफेसर की गन से गोलियां जो थी वो निकाल दी थी और प्रोफेसर पीछा करता है और सियारा के सामने जहाँ पहुंचता है। तो वहां पर सियारा इसका फायदा उठाते हुए प्रोफेसर को किडनैप कर देती है और प्रोफेसर को अपना बंदी बना देती है। तो दोस्तों बंदी बनाने के बाद वो अपनी कार की डिकी में प्रोफेसर को बंद कर देते हैं। और दोस्तों प्रोफेसर को लेकर सियारा तमायो के घर जाती है। तो वहां पर तमायो को बुलाती है सियारा और वहां पर तमायो देखता है कि सियारा ने तमायो की पत्नी को बंदी बना दिया है। तब तमायो ने एक अच्छी गेम के साथ अलार्म पहले से बजा दिया होता है ताकि पुलिस उसके घर जल्दी से जल्दी आ पहुंचे। तो दोस्तों वहां पर तमायो ने अच्छी गेम खेलते ही प्रोफेसर जो सियारा की कार की डिक्की में बंद है वो धीरे धीरे कर कैसे भी कर उसकी कार में से निकल जाता है और निकलने के बाद वो तमायो के फ्लैट में जाता है और किसी न किसी के घर में छुप जाता है। तो दोस्तों उसी के पीछे ये जो सियारा होती है वो भी छुप जाती है। अब देखना ये रहा दूसरे एपिसोड में कि आखिरकार क्या होता है प्रोफेसर का और क्या होता है कर्नल तमायो का और क्या होता है बैंक ऑफ स्पेन में जहां पर पलेरमो ने 2 लोगों को बंदी बना दिया है और एक जो होता है वो कहीं पर छुप जाता है। तो अब देखते हैं 7वें एपिसोड में क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।